नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार सहित भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे कोरोना संक्रमित मरीजों की गिनती कम होती नजर आ रही है, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या बिहार हो। थोड़ी देर पहले बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना मरीजों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें कुल संख्या जो है वो 500 के करीब है। आइए जानते हैं किन जिलों में कितने कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। बात करें बिहार की राजधानी पटना की, तो 177 नए मरीज आए हैं। वहीं अररिया में 10, अरवल में 2, औरंगाबाद में 7, बांका में 1, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 7, भोजपुर में 1, बक्सर में 8, दरभंगा में 2, गया में 20, जहानाबाद में 9, कैमूर में 4, कटिहार में 15, किशनगंज में 5, खगड़िया में 5, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 3, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 22, नालंदा में 12, नवादा में 8, पूर्णिया में 19, रोहतास में 7, सहरसा में 21, समस्तीपुर में 9, सारण में 9, शेखपुरा में 1, शिवहर में 13, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 14, सुपौल में 18, वैशाली में 5 और पश्चिमी चंपारण में 6। तो लगातार बिहार की राजधानी पटना से सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। फिलहाल खबर में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।